महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग तय। शाह ने सीट शेयरिंग पर लगाई मुहर। बैठक के बाद 32+16 का बना फॉर्मूला। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी भी सक्रिय होती जा रही है। महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दलों बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में एनडीए के बीच जद्दोजहद थमती नजर आ रही है। बीते दिनों इस बात की चर्चा थी कि शिंदे बीजेपी से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब सीटों को लेकर स्थिति साफ होती नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 22 सीटों की मांग की थी, तो वहीं अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 18 सीटों को लेकर बड़ा दावा किया था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई है। कहा जा रहा है कि तय फॉर्मूले के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीटों पर, तो शिवसेना 10 से 12 और एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में बैठक हुई। बैठक में गठबंधन के साथियों के बीच यह सहमति बनी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार के साथ अमित शाह ने करीब 45 मिनट तक चर्चा की। तय किया गया कि सीएम शिंदे और अजीत गुट को केवल जीतने की क्षमता के आधार पर सीटें दी जाएंगी। उन्हें कुछ सीटों को आदान प्रदान करना होगा और यदि आवश्यक हुआ तो दोनों को अपने उम्मीदवार को कमल के निशान पर भी चुनाव लड़ाना पड़ सकता है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी इसको लेकर कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद राज्य में सीट शेयरिंग पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। वहीं बीते 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 25 तो शिवसेना ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 पर जीत पाई थी। हालांकि तब शिवसेना में दो फाड़ नहीं हुए थे, जिसके चलते शिवसेना का वोट एक जगह पर पड़ा था। लेकिन इस बार शिवसेना खुद दो भागों में बटी हुई है, तो वहीं एनसीपी के भी दो फाड़ बन चुके हैं, जिसके चलते इस बार का यह चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प बनने जा रहा है। जून 2022 में एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 39 अन्य विधायकों ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिससे शिवसेना के दो हिस्से हो गए। तो वहीं जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने भी बगावत कर दी। वे शरद पवार की एनसीपी को तोड़कर 9 विधायकों के साथ भाजपा शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे। बहरहाल देखना होगा इस बार के चुनाव में बनते नए समीकरणों में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।